आप इसको सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के पॉइंट से भी कर सकते हो दोनों एक तरीके से आपके टॉपिक्स कवर है लेकिन मैंने इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर रखा है सो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेंशन सेक्टर से रिलेटेड हाईलाइटेड हैं उन पॉइंट्स को मेनली uh, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेंशन uh, सेक्टर uh, के उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉइंट्स यू ऑल नो कि एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स जो है वो अवेलेबल है वो और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करो बहुत अच्छे एम सी क्यूज हैं सोल्यूशन के साथ हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और इसके अंदर ऑलरेडी मैंने तीन टेस्ट इंश्योरेंस के भी डाले हैं तो जो ए पी एफ सी के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये रहेगा एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ है इफ़ यू यूज द कोड यू पी एस सी ई पी एफ ओ ऑल राइट और जो भी लेक्चर्स की पी डी एफ है वो भी आपको कॉम्बो कोर्स के अंदर मिल जाते हैं तो आपको पी डी एफ फाइल्स के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की फिर जरूरत नहीं है चलिए शुरू करेंगे तो इंडियन पेंशन सेक्टर आ, के बारे में बात करने आ, से पहले अगर हम ओवरऑल एक सिनेरियो देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में हाईलाइट किया गया कि देखो जी ग्लोबली पेंशन सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो रहा है ठीक है एंड डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर या एडवांस्ड कंट्रीज के अंदर अंदर अगर हम पेंशन सेक्टर देखें तो वो काफ़ी ह्यूज इन साइज आपको देखने को मिलता है क्योंकि फॉर्मल इम्प्लॉयमेंट वहां पर बहुत ज्यादा है फॉर्मल सैलरीड इम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पेंशन सेक्टर भी आपको वहां पर ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा अब जैसे अगर आप ओ कंट्रीज को देखते हो जो डेवलप्ड कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है तो उसके अंदर पेंशन एसेट्स जो है जो वैल्यू है पेंशन एसेट्स की दैट इज अराउंड थर्टी एट पॉइंट फाइव यूएस थर्टी ट्रिलियन यू डॉलर्स तो तो कंट्रीज कंट्रीज का GDP का जीडीपी ये वैल्यू निकल कर के आती है जो पेंशन एसेट्स हैं हैं okay, ओके और कुछ OECD तो ऐसी हैं जहां पर आपको पेंशन एसेट्स इवन हंड्रेड परसेंट ऑफ जीडीपी के ट्यून पे भी देखने को मिलेंगे अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हाईलाइट किया गया कि लार्जेस्ट होल्डिंग्स हैं पेंशन फॉलोड बाई यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कोविड नाइन्टीन का इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि कोविड नाइन्टीन के बाद काफ़ी कंट्रीज़ ने काफ़ी मेजर्स लिए रिलेटेड टू हेल्थ और पेंशन रिलेटेड रिफॉर्म्स ताकि हेल्थ चैलेंजेस को टैकल किया जा सके जो लेबर मार्केट के ऊपर क्राइसिस आए हैं ऐसे चैलेंजेस की वजह से उनको टैकल किया जा सके इनकम्स को लोगों की सपोर्ट किया जा सके तो ये काफ़ी सारे रिफ़ॉर्म्स जो हैं आपको अराउंड द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी मेजर्स अनाउंस किए पेंशन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली टू फैमिलीज जिन्होंने अपने अर्निंग मेंबर्स लूज किए कोविड के टाइम पर इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि uh, जो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनसेशन है उसको एनहेंस भी किया जा सके और लिबरलाइज भी किया जा सके और राइट right, तो इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पेंशन स्कीम जो है उसके बेनिफिट्स को एक्सटेंड किया गया इवन टू दोज लॉस्ट अर्निंग मेम्बर्स कोविड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स जो थे ऐसे लोगों के जो अर्निंग मेंबर्स के डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स थे उनको भी पेंशन जो है वो प्रोवाइड की गई जो नाइंटी परसेंट ऑफ द एवरेज डेली वेज का एक अमाउंट जो है उनको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया गया इफ द अर्निंग मेंबर डाइड उसके अलावा जो इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं इम्प्लॉइड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के अंदर उसको भी एनहेंस किया गया लिबरलाइज किया गया टू सपोर्ट द फैमिलीज अगर हम बात करें पेंशन की तो सरकार बहुत सारी पेंशन स्कीम्स रन कर रही है जिसके अंदर आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम आ जाती है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम ओके एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम तो अराउंड फोर पॉइंट करोड़ लोग जो हैं वेरियस स्कीम्स के अंदर इसमें कवर्ड हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है या स्कीम जिसको आप बोल सकते हो वो है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीएस के काफी सारे फैक्ट्स अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं तो ये जो फैक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डायरेक्टली हाईलाइटेड हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तो नेशनल पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 के अंदर और जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए प्राइमरीली गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए दो में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके अंदर जो बेसिकली सिस्टम था वो पे एज यू गो डिफाइंड बेनिफिट प्लान इसको बोलते हैं तो ये पे एज यू गो पेंशन प्लान क्या होता है इसके अंदर एक तरीके से इंडिविजुअल जो है वो अपनी खुद की रिटायरमेंट को फंड कर रहा है क्योंकि वो अपनी सैलरी में से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अपने एनपीएस के अंदर या एनपीएस अकाउंट के अंदर डाल रहा है ठीक है तो इसके अंदर जितना आप डालोगे उसके हिसाब से बेसिकली आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स जो है वो बिल्डअप हो रही हैं ठीक है जी अब जो फुल्ली फंडेड या डिफाइंड बेनिफिट प्लान होते हैं उसके अंदर तो इम्प्लॉयर सारा पैसा डालता है ओके okay, तो वो चीज यहाँ पर नहीं रहती है तो पे एज यू गो पेंशन प्लान में आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा मिलेगा वो डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बाद यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इंप्लॉय का तो रहता ही है एनपीएस के अंदर बट सरकार भी इक्विवेलेंट को कंट्रीब्यूशन करती है यानी कि पैसा आप भी डाल रहे हो एज ए इम्प्लॉय और सरकार भी डाल रही है अब वैल्यू ऑफ पेंशन कॉर्पस इज मार्केट टू मार्केट बेसिकली किस मार्केट में आपका वो एनपीएस का पैसा अल्टीमेटली इन्वेस्ट हो रहा है और क्या उस मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पीएसयू गो में आप अपना जिस पर्टिकुलर एरिया में आप चाहते हो कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो एनपीएस का वो भी आप डिसाइड कर सकते हो ठीक है उसके बाद जैसे कि हमने देखा 2004 में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ले इसको लेकर के आया गया था लेकिन 2009 में सरकार ने बोला कि जी जितने भी इस देश के नागरिक हैं हैं जो जो भी इस देश के जो 18 टू 70 इयर्स की एज में हैं इंक्लूडिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स वो एनपीएस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है वॉल्ट्री है अगर आप उस सरकारी एम्प्लॉय नहीं भी हो आप जाकर के स्कीम को ज्वाइन कर सकते हो जी ठीक है जी अब दूसरा सेविंग्स को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए जो आपकी पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने एक एनपीएस कॉरपोरेट सेक्टर मॉडल भी लॉन्च किया दो हजार ग्यारह में इसमें एनपीएस की फैसिलिटीज जो कॉरपोरेट एंटिटीज हैं उनके इंप्लॉइज को भी प्रोवाइड की गई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जेंडर uh, गैप को पेंशन सेक्टर के अंदर हाईलाइट किया गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेसिकली ये जो इकोनॉमिक सर्वे की फाइंडिंग्स थी ये पीएफआरडी एफ के ही एक सर्वे के ऊपर बेस्ड थी तो इसके अंदर बेसिकली पीएफआरडी ने अपने सर्वे में क्या बोला कि अगर आप दो से दो तक का जो पीरियड देखते हो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एन नेशनल पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें 24% परसेंट फीमेल सब्सक्राइबर्स थे और बाकी के 76% परसेंट मेल सब्सक्राइबर्स थे तो एनपीएस के अंदर आपको काफी ज्यादा जेंडर गैप जो है वो देखने को मिलेगा यानी कि अगर 100 लोगों ने एनपीएस को सब्सक्राइब किया तो 24 इनमें से महिलाएं थी और बाकी सारे पुरुष थे तो देर इज जेंडर गैप ओवर हेयर उसके बाद अगर एनपीएस की जगह हम दूसरी एक स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी अटल पेंशन योजना अगर आप अटल पेंशन योजना देखते हो तो इसमें जेंडर गैप कंपैरेटिवली कम है क्योंकि इसमें जो फीमेल सब्सक्राइबर्स थे वो थे आपके अराउंड थर्टी एट परसेंट ओके इंक्रीज फ्रॉम नियरली थर्टी एट परसेंट इनिशियल ईयर्स में थे जब स्कीम आई थी और अगर आप 2021 में देखते हो तो अराउंड फोर्टी फोर परसेंट जो सब्सक्राइबर्स थे वो फीमेल थे एंड बाकी के जो फिफ्टी सिक्स थे वो मेल थे तो कंपेरिटिवली यहाँ पर जेंडर गैप अटल पेंशन योजना में कम है और अगर हम अटल पेंशन योजना की स्टेट वाइज एनरोलमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा एनरोलमेंट अटल पेंशन योजना में महाराष्ट्र से हुआ है अराउंड सेवनटीन परसेंट एनरोलमेंट ओके okay, अगर अटल पेंशन योजना का एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हाईलाइट करना चाहेंगे वो ये है एनरोलमेंट एट यंगर एज तो अटल पेंशन योजना में आप देखोगे कि 44.8 परसेंट जो सब्सक्राइबर्स हैं इस योजना के अंदर वो 18 से 25 साल की उम्र के बीच में है एज कंपेयर टू 29.3 परसेंट जो 2016 में थे दो में फोर्टी सब्सक्राइबर्स अट्ठारह से पच्चीस में थे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे वो क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली पूछ अब अगर हम बात करें पेंशन टू टोटल पॉपुलेशन की तो अगर हम कवरेज ऑफ पॉपुलेशन इन पेंशन अंडर एनपीएस देखें वो 1.2 पॉइंट टू परसेंट निकल करके आती है ड्यूरिंग द सिक्स ईयर पीरियड ओके तो बेसिकली यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से 1.2 परसेंट लोगों ने एनपीएस के अंदर सब्सक्रिप्शन है अगर सौ लोग हैं देश में पर टोटल पॉपुलेशन है तो 1.2 के पास एनपीएस है और 3.7 के पास अटल पेंशन योजना है अगेन ये हमारा परसेंटेज टू टोटल पॉपुलेशन हो गया एसेट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बेसिकली जो पेंशन फंड्स हैं अगर हम उसको एज अ एसेट देखें तो उसका जीडीपी के कांटेक्स्ट में क्या परसेंटेज है तो पहले 1.2 परसेंट था अब बढ़कर के 3.2 परसेंट हो गया तो पेंशन सेक्टर की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है इनफैक्ट इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ या पॉपुलेशन की नॉमिनल ग्रोथ से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है आपकी पेंशन सेक्टर की ग्रोथ क्योंकि वन से थ्री हो गया पांच साल के अंदर तो दिस इज अज ग्रोथ जी का थ्री जो है हमारा पेंशन फंड्स का प्रपोर्शन है दिस इज वेरी गुड नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी मेजर्स की तो पी ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि ईज बढ़ जाए ज़्यादा एक्सेसिबल हो पेंशन पॉलिसीज एन और ए पी के जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं एंड इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन के बाद उसका यूज़ जो है वो ईजी हो ठीक है जैसे इन्होंने प्रोसेसिंग जो सेटलमेंट्स अगर प्रोसेस करनी है तो उसका टाइम पी एफ आर डी ए ने टू टी प्लस टू डेज कर दिया यानी कि ट्रांजैक्शन प्लस टू डेज यानी कि विद इन टू डेज आपकी जो भी सेटलमेंट्स हैं वो सेटल कर दी जाएंगी उसके बाद जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है डिजी लॉकरस के साथ ताकि सब्सक्राइबर्स के डायरेक्टली प्रूफ्स को आप वहाँ से आ, आ, ले सकें उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट स्टेटमेंट्स आधार एंड डिजी लॉकर बेस्ड अकाउंट ओपनिंग्स बेसिकली ये क्या है ईज को इंक्रीज कर रहा है उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जो सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के इम्प्लॉज हैं वो भी अब अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं एनपीएस के लिए उसमें भी वो जाकर के सिर्फ ऑनलाइन उनको एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है और वो हो जाएगा और अब यूपीआई के थ्रू भी आप एनपीएस के अंदर अपना पैसा डाल सकते हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड थ्रू यूपीआई हैंडल ऑल्सो अगेन टू ईज द यूज़ सो दिस वर द की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेंशन सेक्टर से रिलेटेड हाईलाइटेड थे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आई होप आप लोगों को मजा आया होगा अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई एल भी डिस्कसिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेवेंथ पे कमीशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए कोई भी डाउट हो प्लीज पोस्ट एड इन टू द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो जॉइन टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कर सकते हो और मेल कर सकते हो ठीक है सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय